पूरे दिन फोन चलता रहता है। कॉलेज जाना तो त्याग दिया है, एक छोटा सा काम नहीं किया जाता। मम्मी ये सही नहीं है, ऐसा बोलकर आप सारा काम करवा लेती हो। चुप कर, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा। बस जवान लड़वा लो, दरवाजा खोलो जाके। सारे काम मैं ही करूं। मैं तुम्हारे घर पे क्यों? अपने कान में डाला करो, कितना टाइम लगता है डोर खोलने में। देखो बाप बनने की कोशिश मत करो, बुलाया किसने है तुम्हें? चिंटू कौन आया है? माते आपके चरणों में नमन, मैं चिंटू के विद्यालय का मित्र हूँ। अवकाश का दिवस था तो मैंने अपने मित्र से भेंट कर लूँ ऐसा सोचा था, तथा अपने मित्र से मिलने आया हूँ। अरे वाह, कितना अच्छा स्वभाव है तुम्हारा, एकदम प्रभु श्री राम लग रहा है। और एक ये है, लगता है घर में कंजर पाल रखा। अबे अबे ये क्या ड्रामा है, मम्मी ये नाटक कर रहा है, ये ऐसा नहीं है। सत्य कहा मित्र, ये संसार एक नाट्य मंच ही तो है, यहाँ सब अपने अपने किरदार निभाते हैं। तू चुप कर, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। चिंटू इसकी माँ कितनी भाग्यशाली होगी जो राम जैसा पुत्र मिला है, दूसरों के घर में भी कितना सभ्य रहता है, और तू देख माँ के सामने गरिया रहा है। माते नादान है मेरा मित्र, कृपया इसे क्षमा कर दे। हे प्रभु, कितना अच्छा लड़का है, आओ बेटा अंदर आओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलना अभी क्या आरती उतारेगा क्या? अरे ये तो मेरे से भी ज्यादा गया गुजरा है। ये फ्यूज किसने निकाला? हमारे संवाददाता राजू अभी ए, कुछ पिज्जा विज्जा मंगाना, क्या घर बुला के सड़ा रहा है मुझे है? हमने नहीं बुलाया है तुम्हें, और हमें नहीं खाना पिज्जा, खाना है तो मंगाओ पिज्जा। इतने अमीर शहजादे हैं कि घर का खाना ही नहीं खाना है। मम्मी मुझे नहीं खाना था इसे। हे मित्र, बाजार का भुजा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, इससे हमारे शरीर व मस्तिष्क का नाश होता है। अरे इसका कैरेक्टर कैसे चेंज हो जाता है? कितना सभ्य, कितना सरल लड़का है, एकदम राम है राम। बेटा मैं कुछ भोजन लाऊं, भूख लगी है। नहीं नहीं आप तनिक कष्ट ना करें माते, मैं फल पान करके आया हूँ। देखा फल पान, और तुम पूरे दिन मम्मी चाय बना दो, मम्मी मैगी बना दो, बनो कम से कम अपने दोस्त जैसे ही बन लो। ऑर्डर करना। ये सब क्या चल रहा है, खुलेआम ऐसी पिक्चरें देखी जा रही हैं? मित्र हमें ऐसे नग्न चित्र नहीं देखने चाहिए, इसका हम पर दुष्प्रभाव पड़ता है। कौन है ये? ये वो मेरा। नमस्कार पिताश्री, मैं चिंटू के विद्यालय का मित्र हूँ। वाह कितना गुणी लड़का है, कितना सभ्य है, और तू यहाँ बैठे बैठे से नंगी पिक्चरें दिखा रहा है। नहीं नहीं पापा, वो रिमोट इसके पास था, इसने लगाया है। पिताश्री मनुष्य अपने बचाव में हमेशा असत्य ही बोलता है। देखो देखो इसको देखकर लगता है कि इसने कभी कोई पिक्चर देखी ही नहीं होगी, हमने ऐसी औलाद पालकर ही गलती कर दी है। हे पिता आप कृपया चिंटू पर क्रोधित ना हुए, मेरी छत्र छाया में चिंटू सुधर रहा है, मैं एक पिता की भांति चिंटू को प्रशिक्षित कर रहा हूँ। आज्ञा दीजिए पिताजी, लगता है कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। आशीर्वाद आशीर्वाद। अरे मित्र ठहरिए ठहरिए। हेलो मोनू, अबे कब से चूतिया बना रहे हो यार, दारू पीने का प्लान था आज का, कहाँ हो? हे मनुष्य कौन हो तुम, मुझे कोई अज्ञात व्यक्ति लगते हो। अबे पूरी दुनिया को उल्लू बना सकता है, मेरे को नहीं, ये बता किसके घर पे है, किसको चूतिया बना रहा है? पिताजी मैं प्रस्थान करता हूँ। कैसे कैसे, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है।